हाँ, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था कल, और उस वीडियो में एक लड़का जिसकी उम्र 25 के आसपास होगी और मोटरसाइकिल पर स्टंट करता हुआ कोठी रोड पर ऐसा लगा, फिर हमने मेरे द्वारा उसके नंबर ट्रेस करने के बाद आरटीओ की वेबसाइट पर जाकर उसका एड्रेस निकाला गया, जिसमें प्रद्युम्न सोलंकी निवासी सती गेट पाए जाने पर मेरे द्वारा ट्रैफिक के अधिकारियों कर्मचारियों को कार्रवाई करने रवाना किया गया। तो अधिकारियों कर्मचारियों ने उस उक्त पते पर जाकर देखा तो गाड़ी भी वहीं मिल गई थी और जो स्टंट कर रहा था लड़का वो भी वहीं मिल गया था। तो दोनों को लाया गया यहाँ पर और वाहन जब्त किया गया और उसमें अग्रिम जो भी वैधानिक कार्रवाई मोटर व्हीकल के अंतर्गत होती है, रेस ड्राइविंग की, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, डॉक्यूमेंट्स नहीं होना, ये सब चीज़ें लगाकर उसको कोर्ट चालान लगाया गया। सर, आगे इस तरह की मतलब स्टंटबाजी ना हो उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इस तरह की स्टंटबाजी को रोकने के लिए हमारी लगातार ट्रैफिक पुलिस द्वारा अलग अलग जगहों पर कोटी रोड है, तरणताल है और मुंगी तिराहा है, इधर ये हरी फाटक है और दूसरी जगहों पर पॉइंट लगाए जाते हैं। और मेरा एक अनुरोध भी है सभी नागरिकों से कि कृपया करके इस तरह की स्टंटबाजी जो करते हैं इससे स्वयं की जान तो जोखिम में डलती है और सामने जो दूसरे लोग भी हैं जो रोड यूजर्स हैं, जो दूसरे वाहन चालक हैं, उनकी लाइफ को भी आप खतरे में डालते हैं। तो आप एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देते हुए कृपया करके इस प्रकार की स्टंटबाजी ना करें।